हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, आज है मेरे पास नूबिया की तरफ से फिलहाल लॉन्च किया गया उनका नया गेमिंग स्मार्टफोन जो कि है नूबिया रेड मैजिक 3। और दोस्तों, ये गेमिंग स्मार्टफोन है और अभी तक का सबसे जो है यहाँ पर फास्टेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ये बताया जा रहा है। जो एंटूटू बेंचमार्किंग वेबसाइट है वहाँ पर जो इसका स्कोर है दोस्तों, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे कि नूबिया रेड मैजिक 3 में आपको क्या कुछ गेम फीचर्स मिलते हैं, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है बॉक्स यहाँ पर नूबिया रेड मैजिक 3 का। बॉक्स के ऊपर जो प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई है दोस्तों, इसे फिलहाल मैं निकाल देता हूँ। सामने की तरफ आपको यहाँ पर देखिए रेड कलर में रेड मैजिक का जो है यहाँ पर लोगो मिल जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त ये लोगो लग रहा है और साइड में आपको कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। बॉक्स आपका बिल्कुल सिंपल है और पीछे की तरफ नीचे आपको कुछ एक स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 वाला चिपसेट देखने को मिलता है और इसी के साथ में आपको दोस्तों एडिनो 640 वाला GPU यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाई एफिशिएंसी कूलिंग फैन इसमें दिया गया है। 6.65 इंच की यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी, रियर में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। और इसी के साथ भी आपको जो है यहाँ पर दो शोल्डर ट्रिगर्स भी मिलने वाले गेमिंग के लिए और RGB स्ट्रिप पीछे की तरफ मिलेगी। साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं और गेमिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 4D हैप्टिक वाइब्रेशन वाला फीचर मिलता है। साथ में गेम स्पेस 2.0 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास दोस्तों 8GB रैम वेरिएंट है, इसमें आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है। वैसे इसके दो वेरिएंट और आते हैं, 6GB रैम वेरिएंट और 12GB रैम वेरिएंट, उनमें आपको 64GB और 256GB का स्टोरेज मिलता है। तो दोस्तों, ये है फोन और यहाँ पर रेड मैजिक का लोगो आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो फोन है उसे निकाल कर हम साइड में रख देते हैं। वैसे फोन यहाँ पर काफी बड़ा मुझे लग रहा है क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर उसके बाद में बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको जो पावर अडेप्टर है वो यहाँ पर मिलता है और इस पावर अडेप्टर की जो रेटिंग है दोस्तों वो 9V 2A है, यानी कि यहाँ पर आपको 18W की आउटपुट मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों मिलती है USB टाइप सी केबल जो कि रेड कलर में यहाँ पर प्रोवाइड की गई है और देखने में काफ़ी ज़बरदस्त ये लग रही है। और उसके बाद इस तीसरे पैकेट के अंदर आपको सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है और यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल मिलता है और ये रेड मैजिक के कुछ एक स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं। लास्ट में आपको मिलेगा ये एक वारंटी कार्ड। तो यही कुछ मिलता है आपको रेड मैजिक 3 के बॉक्स के अंदर। तो फिलहाल हम फ़ोन पर आते हैं और दिखाते हैं कि फ़ोन आपका कैसा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके ऊपर जो प्लास्टिक की फिल्म है वो हम निकाल देते हैं और यहाँ पर रेड मैजिक का लोगो आ चुका है, यानी कि फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। फ़ोन देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और हाथ में काफ़ी अच्छा भी ये लग रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.65 इंच की जो है 90Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले आप लोगों को मिलने वाली है। बात करें दोस्तों वेट की, तो इसका जो वेट है दोस्तों यहाँ पर वो करीबन 215 ग्राम है और राइट हैंड साइड पर आपको दो यहाँ पर दोस्तों पावर ट्रिगर्स मिलते हैं, यानी कि आपको गेमिंग के लिए यहाँ पर दो ट्रिगर्स अलग से मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जो कूलिंग फैन है उसके लिए वेंटिलेशन यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद में आपको वॉल्यूम रॉकर स्क्रीन मिल जाती है और जो यहाँ पर पावर बटन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो जो कैपेसिटिव बटन है दोस्तों वो आपकी गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिल जाता है, USB टाइप सी पोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और जो आपका प्राइमरी माइक है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पर आपको गेमिंग डॉक पिन के लिए जो है पोर्ट दिया गया है और उसके ऊपर जो है नॉइज़ कैंसिलेशन वाला माइक दिया गया है और यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है और ऊपर की तरफ आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है गेमिंग के लिए बटन मिल जाता है जो कि यहाँ पर आपको सीधा गेम स्पेस के लिए अंदर लेके जाएगा और वो आपका जो गेम मोड है दोस्तों उसे ऑन कर देगा। फ्रंट में आप लोग देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्पीकर प्रोवाइड किया गया है ऊपर की तरफ और उसके नीचे यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जबकि नीचे की तरफ भी दोस्तों आपको एक स्पीकर प्रोवाइड किया गया, यानी कि आपको यहाँ पर स्टीरियो साउंड मिलने वाला है। तो साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाली है। दोस्तों, रियर पैनल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं बैक का जो डिज़ाइन है दोस्तों वो गेमिंग को देखते हुए बनाया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त जो है इसे लुक दिया गया है। चारों कॉर्नर्स पर आपको रेड स्ट्रिप यहाँ पर आपको मिल जाती है और ऊपर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और इसका जो अपर्चर है दोस्तों वो f1.7 है, लेकिन इसका भी डिज़ाइन यहाँ पर यूनिक बनाया गया है। और उसके नीचे यहाँ पर आपको जो फैन है दोस्तों उसके वेंटिलेशन के लिए पोर्ट मिल जाता है। नीचे उसके आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। उसके नीचे ये RGB स्ट्रिप और यहाँ पर रेड मैजिक का जो है लाइटनिंग लोगो आपको मिलता है। देखने में देखिए कितना कूल ये लग रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। तो फिलहाल फ़ोन हमने ऑन कर लिया दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आपको ब्लॉटवेयर ऐप नहीं मिलता है। स्टॉक एंड्रॉइड पी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
सारे जो ऐप्स हैं वो वही आपको देखने को मिलेंगे जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पर जो है लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर्स मिल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पर एनिमेशन आपको देखने को मिलता है इन लाइव वॉलपेपर्स में। तो कुछ इस तरह से आप अपने लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पर जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कूल यहाँ पर लाइव वॉलपेपर्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए गेमिंग के लिए भी कुछ एक सेटिंग्स मिल जाएंगी। जो यहाँ पर आपको एक पोर्ट दिया गया गेमिंग के लिए, डॉक स्टेशन के लिए, उसके लिए सेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जबकि नीचे की तरफ जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो चलिए सिस्टम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और जो फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन में फिलहाल हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पी देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड पी मिल रहा है और जो डिवाइस नेम है दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं रेड मैजिक 3। तो फिलहाल हमने सिम कार्ड यहाँ पर तो दोस्तों लगाया नहीं है तो सिम स्लॉट में कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्टोरेज है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 128 GB का इंटरनल स्टोरेज इसमें है और करीबन मैंने जो है यहाँ पर 0.42 GB की जो फोटोज़ एंड वीडियोज़ है वो यहाँ पर शूट कर लिए। तो यहाँ पर 10% हमारी यूज़ हो चुकी है। और उसके बाद देखिए ये कुछ आपको जो है जो LED स्ट्रिप आपको पीछे मिलती है, यानी कि जो RGB स्ट्रिप आपको पीछे मिल रही है उसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि किस तरह की लाइटनिंग आप उसमें चाहते हैं। तो उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए भी ऑन कर सकते हैं, कॉलिंग्स के लिए भी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको पीछे जो रेड मैजिक का लोगो मिलता है दोस्तों, उसे भी आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि वो आपको कितने टाइम बाद ऑन करना है, ऑफ़ करना है। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाती है RGB स्ट्रिप और जो लोगो यहाँ पर रेड मैजिक का मिलता है उसके लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फेस अनलॉक वाला फ़ीचर आपको मिलता है उसके लिए फ़िलहाल हम जो फेस डेटा है दोस्तों वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो फेस अनलॉक वाला फ़ीचर है वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर फेस डेटा देखिए तुरंत जो है रीड कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो फेस डेटा है दोस्तों वो हमारा रजिस्टर हो चुका है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कितना एक्यूरेटली और कितना फास्ट ये काम करता है। तो यहाँ पर लाइव वॉलपेपर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो फिलहाल फ़ोन को लॉक करते हैं और ये हमने लॉक किया, ये ऑन हो गया है। तो तुरंत जो हमारा फ़ोन है दोस्तों वो यहाँ पर फेस डेटा से जो है तुरंत ऑन हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जबकि यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए तुरंत जो है ऑन हो रहा है। तो फेस अनलॉक और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। उसके बाद दोस्तों फ़ोन के कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 48 MP का सोनी IMX586 वाला सेंसर मिलेगा और उसका जो अपर्चर वो F1.7 है। कैमरा ऐप आप लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल इंटरफेस यहाँ पर आपको मिलता है। वैसे तो दोस्तों ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है लेकिन यहाँ पर कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। तो वो फोटोज़ फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप लोग बताना कि कैसा आपको यहाँ पर कैमरा लगा। देखिए यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जो रियर कैमरा है दोस्तों उसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आप लोग देख सकते हैं 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। साथ में 4K वीडियो एट 60 FPS का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। फुल 80 वीडियोज़ तो आप रिकॉर्ड ही कर सकते हो। तो ज़बरदस्त यहाँ पर आपको कैमरा प्रोवाइड किया गया है, सिंगल कैमरा दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर आपको 8K वीडियोज़ रिकॉर्ड करके देगा। कैमरा ऐप के फीचर्स की बात करें तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है जो कैमरा फैमिली है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से फ़ीचर्स मिलेंगे। मल्टी एक्सपोजर वाला फ़ीचर यहाँ पर आपको मिलेगा, लाइट ड्रॉ वाला फीचर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक अपर्चर वाला फीचर मिलेगा, क्लोन वाला फीचर मिलेगा और टाइम लैप्स वीडियो का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद प्रो मोड, फिर फोटो वीडियो और जो प्रीटी मोड है यानी कि जो ब्यूटीफाई मोड है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट कैमरा आप लोग देख सकते हैं किस तरह का इसका फ्रंट कैमरा है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ एक फ़ोटोज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर रेड मैजिक 3 से लिए हैं। आप लोग बताना कि आपको ये फ़ोटोज़ कैसे लगे। वैसे मुझे तो ये फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे लगे। वैसे ये कोई यहाँ पर कैमरा स्मार्टफोन तो है नहीं, ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है। तो चलिए आप गेमिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं कि किस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिलती है। तो देखिए हमने पबजी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है तो हमने ये ऑन किया। तो आप गेमिंग मोड बाद में भी ऑन कर सकते हैं या सीधे आप जो है गेमिंग मोड ऑन करके अपने गेम सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। जो गेम स्पेस 2.0 दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है उसमें बहुत सारे आपको गेमिंग फीचर मिलने वाले हैं। आपको एक्टिव लिक्विड कूलिंग टर्बो फैन यहाँ पर आपको मिलता है, यानी कि गेम के दौरान आपका फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं होने वाला है और जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। जो गेम में आपको साउंड मिलेगा दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन साउंड मिलने वाला है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गेम स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया उसे आपको कैसे यूज़ करना है। तो राइट से आपको स्वाइप करना है। तो यहाँ पर आपको जो है गेमिंग के लिए जो
फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसके बाद आपकी नेटवर्क की स्पीड आपको देखने को मिलती है, सीपीयू की स्पीड आपको देखने को मिल रही है और जो जीपीयू है उसकी स्पीड आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद ऑटो मोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और 4D शॉक, जी हाँ दोस्तों ये जो है यहाँ पर आपको जो हैप्टिक फीडबैक मिलेगा जब भी कोई आप गेम खेलेंगे, तो पबजी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। टच बटन्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टच बटन्स भी यहाँ पर आपको ऊपर दिए गए, तो उन्हें भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं और फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कूलिंग फ़ैन यहाँ पर आपको दिया गया है। सभी मैसेज को आप ब्लॉक कर सकते हैं और जो स्क्रीन शॉट है दोस्तों वो यहाँ पर ले सकते हैं, स्टैंड बाई पर किसी भी गेम को रख सकते हैं। और दोस्तों पर्सनल सेंटर के अंदर आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, साथ में रैपिड कूलिंग भी आप कर सकते हैं। तो रैपिड कूलिंग में आपकी जो फ़ैन की स्पीड है दोस्तों वो बहुत तेज़ हो जाती है। जो बेसिक सेटिंग यहाँ पर आपको मिलती है इसके अंदर जो आपकी RGB स्ट्रिप आपको पीछे दी गई है उसकी लाइटनिंग को आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के ग्राफिक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखिए अभी तो फिलहाल जो सेटिंग्स मैंने की हुई है एक्सट्रीम प्लस स्मूथ की हुई है और यहाँ पर आपको अल्ट्रा HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है। जो शोल्डर ट्रिगर्स आपको दिए गए हैं दोस्तों उन्हें आपको कैसे सेट करना है, तो आपको राइट से स्वाइप करना है, आपका गेम सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गेम सेक्शन हमने ओपन किया, टच बटन्स पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको दोस्तों लेफ्ट और राइट में दोनों बटन्स को जो है एडजस्ट कर लेना है। बस आप जो है आप शोल्डर ट्रिगर्स की सहायता से ही अपना गेम प्ले यहाँ पर जो है हैंडल कर पाओगे। तो देखिए आप जो है गेम प्ले जो है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो ग्राफिक्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। किसी तरह का कोई भी फ्रेम रेट जो है यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल स्मूथ यहाँ पर आपको गेम देखने को मिलेगा और बहुत ही कमाल के ग्राफिक्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो ऊपर जो शोल्डर ट्रिगर्स दिए गए वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले और काफ़ी फास्ट यहाँ पर आप जो है गेम खेल सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलेगा नूबिया रेड मैजिक 3 पर। जी हाँ दोस्तों ये अल्टीमेटली एक गेमिंग स्मार्टफोन है और अगर आप यहाँ पर गेमिंग के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा गेम आप खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे जो बेस्ट स्मार्टफोन आप लोगों के लिए होने वाला गेमिंग के लिए वो नूबिया रेड मैजिक 3 ही है। और दोस्तों फ़ोन आपका जो है लंबी गेमिंग के दौरान भी बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़िलहाल फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 33.3 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आप लंबा गेम यहाँ पर खेलते हैं तो भी आपका फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो कूलिंग फ़ैन मिल रहा है वो बहुत एफिशिएंटली काम करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है नूबिया रेड मैजिक 3 अल्टीमेटली एक गेमिंग स्मार्टफोन है। तो दोस्तों फ़ोन में फीचर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो और 2-3 वीडियोज़ मैं इसके बारे में लेकर आने वाला हूँ, उसमें हम जो है पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली हम प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस जो होने वाला है इस फ़ोन का दोस्तों वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जो है प्राइस देख सकते हैं और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको नूबिया रेड मैजिक 3 स्मार्टफोन और हमारा ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।